रमेश, पूरे भूक्षेत्र में क्या बदलाव चीतों के आ जाने के बाद से जताया जा रहा है कि क्या बदलाव होगा पूरे इलाके में, चाहे वो टूरिज्म बढ़े या फिर अगर मैं बात करूं वन्य जीवों के लिहाज से क्या बदलाव हो सकता है पूरे क्षेत्र में? जी बिल्कुल सही सवाल है, और ये बदलाव जो है वो दिखने शुरू भी हो गए हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि ये बेहद पिछड़ा इलाका था, जैसे हमने पहले भी बात की थी। अब यहाँ पे पास ही में कूनो नदी है। अभी यहाँ पे कूनो नदी के हालात क्या होते हैं, जब यहाँ पे किसी को आना होता है तो इंतजार करना होता है कि कूनो नदी में ज्यादा पानी ना हो, क्योंकि कूनो नदी का पानी यदि पुल के ऊपर आ जाता है, क्योंकि पुल बेहद नीचे है, तो यहाँ पर पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। फिर तब तक इंतजार करना होता है जब तक कूनो नदी का पानी नीचे ना उतरे पुल से। अब यहाँ पे एक ऊंचा पुल बनाया जा रहा है जो कि सड़क के समानांतर रहेगा। कूनो नदी से काफी ऊंचाई पर यह पुल बनाया जा रहा है ताकि साल के 12 महीने यहाँ पर यातायात बना रहे, लोग यहाँ पर पहुंच सके। यहाँ पहुंचने के अभी दो रास्ते हैं। पहला तो आप शिवपुरी के रास्ते श्योपुर आए, दूसरा रास्ता है आप रणथंभौर के रास्ते सवाई माधोपुर होते हुए श्योपुर पहुंचे। लेकिन यहाँ पे कूनो नदी जब ऊपर चढ़ जाती है तो पहुंचना मुश्किल हो जाता है, कई दिनों तक लोगों को रुकना पड़ता था। तो पहला बदलाव तो यहाँ दिखना शुरू हो गया है। जैसे ही यहाँ पे नेशनल पार्क की मंजूरी मिली, उसके बाद यहाँ पर चीतों के आने की तारीख तय हुई और यहाँ पे पुल बनना शुरू हो चुका है। कूनो नदी के ऊपर वो पुल बन रहा है ताकि लोग यहाँ सुगमता से पहुंच सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जमीनों के दाम जो है अब वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। पहले जमीन की कीमतें यहाँ पर कूनो पालनपुर के पास करीब 9 से 8 लाख रुपए बीघा थी, लेकिन बीते 2 महीनों में ही इसमें जबरदस्त उछाल आया है। दुगुनी से ज्यादा कीमतें यहाँ पर अब जमीन की हो गई है, 20 लाख रुपए बीघा अब यहाँ पे कीमत हो गई है। कल की तारीख में हम बता रहे हैं जब चीते यहाँ पहुंचे नहीं थे, और माना जा रहा है कि जब चीते यहाँ अब थोड़ी देर बाद जब यहाँ के जंगल में घूमना शुरू कर देंगे तो जमीन की कीमतें और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बड़े पैमाने पे जो व्यापारी हैं, जो व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जमीनों को यहाँ खरीदना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिलचस्पी दिखाना शुरू कर चुके हैं, जैसा कि लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में यहाँ पे होटल इंडस्ट्री, रिजॉर्ट या फिर तमाम दूसरे रेस्टोरेंट यहाँ पे आना शुरू होंगे, और वो होंगे ही, क्योंकि पूरे देश में चीते कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ यही कूनो में देखे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है दुनिया भर के पर्यटक कूनो आएंगे। अब जब वो आएंगे तो उनके लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी होना ही है, वो करना ही पड़ेगी। राज्य सरकार भी करेगी, निजी क्षेत्र में व्यापार भी बढ़ेगा। हमें दूसरा जो नेशनल पार्क है, चाहे वो कॉर्बेट है या अगर हम रणथंभौर की बात करें, उसके आसपास जो विकास हुआ उस तरह के विकास का अनुमान है। लेकिन अभी 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 का अपडेट दीजिए कि अभी भीतर क्या कुछ चल रहा है, भीतर से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितनी देर बाद वो तस्वीरें आ सकती हैं जब प्रधानमंत्री छोड़े उन 3 चीतों को बाड़े में? मैं रविश लौट रहा हूं आपके पास। ये अंदर कूनो नेशनल पार्क के भीतर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और एक एक चीते को आप देखेंगे कि अब एक वाहन में रखा गया, एक गाड़ी में रखा गया है, और उनको उस जगह पर ले जाया जा रहा है जहां से उनको छोड़ा जाएगा, जहां से प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत करेंगे इन चीतों को छोड़ने की। 3 चीतों को प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ना है, टोटल 8 चीते हैं, इसमें 5 मादा 3 नर हैं, और हालांकि इसमें शावक भी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कूनो नेशनल पार्क के भीतर से तस्वीरें आ गए हैं, क्योंकि भीतर सिर्फ एक कैमरा बताया जा रहा है कि वो है, और जो तस्वीरें वहां से जारी की जा रही हैं उन तस्वीरों में से ये एक तस्वीर है जब चिनूक हेलीकॉप्टर से उतारा गया। चिनूक हेलीकॉप्टर से उतारने के बाद इनको एक वाहन में रखा गया और वहां से उस हिस्से में, उस जगह पर ले जाया गया है जहां से इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का भी वहां पर बड़ा ख्याल होगा कि क्योंकि ये एक जीव है, एक जानवर है, और डर में अक्सर हमला भी हो जाता है, तो इसका भी संभवतः पूरा ख्याल रखा गया होगा। और वो तस्वीरें भी कुछ देर बाद आ सकती हैं जब प्रधानमंत्री मोदी इनको छोड़ते हुए आप भी देखें उनको। तो कूनो नेशनल पार्क के भीतर की ये बिल्कुल जो सबसे ताजा तस्वीरें हैं यही हैं जिसमें आपको जो वन रेंजर्स हैं वो देखेंगे, भारत के भी, और जो अधिकारी आए हैं, जो अधिकारी वहां से आए, नामीबिया से आए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। रमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश, एक तस्वीर तो आ गई, यानी कि उस हिस्से में इनको ले जाया गया है, इन चीतों को, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको छोड़ेंगे। संभवतः बाकी तस्वीरें भी जल्दी आ जाएंगी, लेकिन मैं आपसे मेरा एक सवाल यह है कि जो भौगोलिक क्षेत्र है इस हिस्से का, वो कैसे, गर्मियों के समय में क्या पानी का संकट होता है? हालांकि नदी है यहां पर कूनो, लेकिन उसके अलावा भी क्या किसी तरह की परेशानी भी होती है यहां? देखिए, गर्मी तो बेतहाशा पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पास में राजस्थान है और दूसरी तरफ ये ग्वालियर चंबल संभाग है। ग्वालियर चंबल संभाग वैसे भी अपनी गर्मियों के लिए कुख्यात है। कुख्यात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो गर्मियों में अधिकतम तापमान है वो सबसे ज्यादा श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया,
भिंड, मुरैना, इन जगहों पर, गुना, इन जगहों पर अधिकतम तापमान बहुत ज्यादा चला जाता है। और इसके बाद बुंदेलखंड है, ग्वालियर चंबल संभाग, बुंदेलखंड, ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है राजस्थान तक ये तपता है गर्मियों के दिनों में। जहां तक बात है पानी की उपलब्धता की, तो देखिए ग्रामीण इलाकों में पानी बहुत ज्यादा उपलब्ध तो नहीं है। जब हम वन क्षेत्र की बात करते हैं तो कूनो नदी में साल भर वैसे तो पानी रहता है, लेकिन मई के अंत में बताया जाता है कि जब बहुत तेज गर्मी होती है तब यहाँ पे पानी का संकट आता है। लेकिन क्योंकि ये एक नेशनल पार्क है तो यहाँ पर वन्य जीवों के लिए पानी की विशेष व्यवस्थाएं भी की जाती है, क्योंकि ये साल 2018 से नेशनल पार्क है। यहाँ पे पानी के बड़े बड़े पोखर बने हुए हैं, बरसात का पानी उनमें भरा रहता है। इसके अलावा कूनो नदी का भी एक तरीके देखा जाए जो नेशनल पार्क के भीतर से निकली है, उसमें स्टॉप डैम बने हुए हैं जिसके चलते वहां पर पानी को स्टोर कर लिया जाता है। और कोशिश यही होती है कि साल भर जब तक, क्योंकि 15 जून के बाद बारिश होती है, खासतौर से इस हिस्से में तो बहुत बाद में बारिश होती है, ये सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर से पहले कुछ दिनों पहले तक आपको बताया कि श्योपुर और शिवपुरी ये रेड जोन में आ रहे थे, यहाँ पे बारिश ना के बराबर हुई थी। लेकिन सितंबर के महीने में शुरुआत से ही यहाँ पर इतनी बारिश हो गई कि कूनो नदी अब लबालब हो चुकी है, उसमें अभी तक पानी हो, और ये पानी अब कई महीनों तक कूनो नदी में ऐसे ही बना रहेगा। स्टॉप डैम जो बने हुए हैं उसके चलते पानी का संकट वन्य जीवों के लिए तो अंदर नहीं होता है, पोखरे भी बने हुए हैं। ठीक है रविश, मैं लौट रहा हूं आपके पास, श्वेता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि भारत में शिकार पर पाबंदी है, लेकिन उसके बाद भी वो अलग अलग नेशनल पार्क्स में तस्वीरें आती रहती हैं, शिकार होता है, चोरी छिपे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। चूंकि ये बहुत संजीदा विषय है, क्योंकि हम नामीबिया से ला रहे इन चीतों को, इनकी सुरक्षा पुख्ता कैसे की गई है कि इन पर किसी तरह का कोई हमला ना हो? देखिए भारत से चीते चले गए लेकिन भारत के व्याकरण से चीते कभी नहीं गए। किसी व्यक्ति को जब हमें तारीफ करनी होती है तो ये नहीं कहते हैं कि तुम बिल्कुल तेंदुए की तरह हो। चीता जरूर कहा जाता है, परिवार एक है, शेर या चीता, ये दो हमारे व्याकरण के बहुत अहम शब्द हैं। और इसीलिए अगर शेरों को संजोया गया, शेरों को यहाँ पर तंदुरुस्त उनकी आबादी को रखा गया, तो चीतों को भी रखा जाएगा। आजादी के पूर्व जो हो गया उसके परे अगर हम आज की तारीख में प्रण देखें कि चीतों को अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान में लाया जा रहा है, तो इसी प्रण के साथ, इसी मंसूबे के साथ कि उनकी आबादी यहां पर बढ़े, उनकी आबादी में वृद्धि हो।